हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, एक बड़ा ही गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक को चोर समझकर मार दिया जाता है। परिवार यहां पर मौजूद है, बहुत ही रो रो के बुरी हालत हो गई। बताया जा रहा है सारण थाने का मामला है। आप देख सकते हैं परिवार के मेंबर है, भाई यहां पर मौजूद है। जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मामला का पूरी जानकारी। मामला यह कि 4 बजे सुबह वो टहलने के निकले थे, 4 बजे सुबह निकले थे टहलने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो वो गए थे, परेशान हो गए तो बैठ गए थे वहाँ पे उनके गेट पे। उन्होंने डंडे से और सरिया से बहुत मारा है सर पे। किसने मारा, कितने लोग थे, कौन? गिराज नाम का लड़का है। गिराज नाम का लड़का, आप जानते हैं उनको? हाँ जी। अच्छा, वो क्या करने के लिए सुबह गए थे, क्या नाम था उनका? दूध लाने गए थे जी। अच्छा, दूध लाने के लिए बाहर गए थे। दूध लिया, छोटा छोटा बालक है। हाँ। तो बच्चे के पिलने का दूध लिया गए थे, तो उसका मार दिया। अब हमारे बच्चा क्या पालेंगे, मेरा घर वाला नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अच्छा, उनकी हाँ, उसका हम घरवाली है। अब हमारे 4 बालक है तो क्या करेंगे, वो करेंगे। कितनी उम्र थी उनकी? अरे बापरे, राजा। मतलब सिर्फ वो दूध लेने के लिए बाहर गए थे उनको, मतलब ऐसे अनजान में तो कोई मारे, पहले से कोई दुश्मनी वगैरह होगी? अच्छा, सब गेट पे बैठे थे, उनके बैठे थे, सर दर्द करे लगल बैठ गए। तो वो आपके पड़ोसी थे जिन्होंने मारा? ना, मार दिए। मतलब घर के आसपास में इनका घर है, घर के आसपास ही रहते हैं। तो कोई आपसे रंजिश होगी, क्योंकि ऐसे कोई नहीं मारता कि हम भी चौखट पे जाके दूसरों के बैठते, बट ऐसे नहीं होता ना कि मतलब कोई चोर समझ लिया हो। 4 बजे सुबह की बात है। सुबह कितने बजे? 4 बजे। चोर समझ के उनको गलती से मारा, और इतना मारा कि उनको मौत के घाट उतार दिया। अच्छा, किस चीजों से उन पर वार किया गया? सरिये से, लकड़ से, पूरा टांट पे, पूरे शरीर पे, पूरा टांट और फोड़ दिया, सर और फोड़ दिया, फिर हाथ पैर पर मार दिया, छड़ से मारा है, किसी को मारेगा इस पूरा दिमाग फोड़ दिया। अब कैसे है, जहाँ हमारे बालक रही हैं, अब कैसे हम जिएंगे? हमारा घर वाला को मार दिया तो हम कैसे बालक जो कर सकते? इनको इंसाफ चाहिए, इनको इंसाफ दे दो। 4 बच्चे, 5-5 पेट कौन पालेगा? अच्छा, आप लोग को कब पता चले कि मतलब ऐसा कुछ हो गया? ढूंढने के लिए निकल गए थे। ढूंढने के लिए कितने बजे आप लोग, किस किस सूचना मिली कि यहाँ पर, और कहाँ, कैसी हालत में मिले थे? उनके गेट पे मिले थे, मिले थे। उन्होंने बोला था सचिन गौर ने मारा था उनको। किसने बोला कि सचिन ने मारा है? भैया। किसने? भैया ने मारा। आपके भैया ने, मतलब उस टाइम तक जब आप पहुंचे थे, जब तक वहां पर थे? अच्छा, जिंदा था जब तक। तो उन्होंने क्या क्या बताया? यही बताया बस, इन्होंने मारा। उनके पूरा बुरा हाल था ना, उनका बुरा हालत, बेहोश कर दिया, मार के बुरा हाल था, पूरा पूरा सर फाड़ दिया। तो मुझे तो बताया नहीं उन्होंने कि किस वजह से मारा। मैं सिर्फ बैठा था, इस वजह से मारा, बैठने की वजह से, बैठने की वजह से मारा। वहाँ किसलिए बैठा वो पूछ रहा था। तो बैठने की वजह से इतनी बेरहमी से मारा कि उनको मार ही दिया, जान से पूरा मार दिया। अच्छा, आप लोगों ने कोई कंप्लेन वगैरह करवाई? उनसे पूछताछ नहीं कि जहाँ आपके भैया मिले थे उनके घर वालों से कोई पूछताछ नहीं कि जिस पे आपको डाउट हो रहा है? जी, वो तो भाग गया घर से। घर से तो फैमिली में कोई तो मार के भाग गया है, घर से भाग गया। फैमिली में कोई भी नहीं उनके? नहीं, कोई नहीं आए। तो घर में ताला क्यों मार के भागे? इंसाफ चाहिए। जब गलती नहीं करते तो भागते क्यों? चोर समझ के इतना बुरा तरह मारा जाता है कि मर जाए। चोर समझ के, चोर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ आपसे रंजिश हो, क्योंकि ऐसे कोई नहीं मारता ना। हम लोग किराएदार है, हम लोग यहाँ रहने खाने कमाने खाने आए हैं, यहाँ पर हम किसी से गुंडागर्दी करने नहीं आए हैं। और भी हम सीधा आदमी थे, हमारे चाचा लगते हैं। क्या चीज बोल रहे हैं? क्या बोल रहे थे आप लोग? उनसे कुछ बोला, बोला था ना? क्या बोल रहे थे वो, बताइए? ले जाने तो और ना, वो बोला था ले जाना तो और। किसने बोला है सर? वो गेट के पास ही था, वो जब मेरे भाई को लेने गया था ना, वो गेट के पास ही था। अच्छा, वो गेट के पास ही खड़े थे? क्या बोला उन्होंने? ले जा जल्दी, ना तो और पीटे। अच्छा, मतलब अभी कुछ बच गया था कि और मारेंगे उसको? पूरा बेहोश थे, बोला ले जा जल्दी, ले जा इसको। इसका मतलब आप लोग को वो जानते थे पहले से भी? ऐसे बोला, जैसे वो बोल रहा था गेट में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। कौन, आपके भैया? वो बोल रहा था कमरे वाला। अच्छा, आपके भैया एक मिनट मतलब चढ़ने की कोशिश कर रहे थे गेट पे? बोल रहा था वो। अच्छा, वो ऐसा बोल रहा था, बोल रहा एक तरह से चोर समझ के उन्होंने ऐसा मारा उनको कि गेट में घुसने की कोशिश कर रहा था। अच्छा,
तो चोर को भी इस तरीके से नहीं मारा जाता? आप पुलिस में FIR करवाते या फिर कुछ कंप्लेन करते कि हाँ, बट ऐसे मारना नहीं है ना कि आप मार दो किसी इंसान को, जान से मारिए देगा वही चीज ना, आप जान से नहीं मार सकते। अब हमारा बालक का क्या बचेगा, अब हमारे चार चार बालक कमरा और लगेंगे। हैं दो थप्पड़ मार के थाना में डाल देते, हमारा शक्ति है तो हम अपन जाती। तो अभी आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन की? पुलिस कंप्लेन की है, कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, समझ नहीं। गरीब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया, कभी बोल रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं गिरफ्तार भी कर लियो। अच्छा, ये कहाँ का मामला है? ये सारण गांव। कौन से गांव में रहते हैं? सारण गांव। सारण गांव। अच्छा, एक बार पुलिस यहीं पर मौजूद आई है, इनसे भी जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्योंकि जो इन लोगों का कहना है कि पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। कहाँ गई, चले गए पुलिस वाले? किस साइड है? अच्छा, उधर एक मिनट आइए, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्योंकि जो परिवार का आरोप है। सर, एक बार पूरी जानकारी देंगे क्या हुआ था? ये जो बोल रहे हैं कि अभी पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, मुकदमा दर्ज हो रहा है, और बाकी जो भी जानकारी होगी आपको बता दी जाएगी। सर, क्या नाम था युवक का? आप लोग को चौक इंचार्ज हूँ मैं, यहाँ 3 नंबर में सारण थाने का मामला है ये, और जो भी कार्रवाई होगी आपको बता दिया जाएगा। जो थाना है उसके जो भी आइए होंगे वो बता देंगे आप। अच्छा, मतलब अभी उनमें से किसी का पता नहीं चला कहाँ पर गए वो लोग? इस बारे में ये तफ्तीश का इशू है, आप इस बारे में ना पूछे तो ही ठीक है। ऐसा क्यों सर? मतलब आरोपी के बारे में वही टीम बता सकती है, जो थाना एस एच ओ है वही बता सकते हैं। अच्छा। ये तफ्तीश का इशू है, ये लाइव भी चला रखा है आपने। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार फोटो दिखा, सचिन नहीं आपके भाई की, एक बार फोटो दिखा दीजिए। एक बार आप भाई की दिखाइए, भाई की फोटो है आपके पास? किसके पास है फोटो? जिसने मारा है नहीं, एक बार अपने भाई की एक बार फोटो दिखा दीजिए। कौन थे वो? इनका जिन पे भी आरोप है, ये सचिन नाम के युवक पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मारा है, चोर समझ के मारा है, कैसे मारा भी कोई जानकारी नहीं इसके। लेकिन जो भी जिस पे आरोप लगा रहा है, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो भी अपना पक्ष रख सकता है, क्योंकि ये गंभीर आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं कि उनको जान से मारा गया। ये आपके भाई की फोटो है, एक मिनट ये क्लोजअप ला के दिखाइए। ये भाई है, क्या नाम था इनका? सॉरी, प्रमोद शाह। ये प्रमोद शाह है जो इनके भाई हैं, उम्र 35 साल बताई जा रही है, जिनको आज चोर समझ के बताइए। एक युवक जो दूध लेने के लिए सुबह 4 बजे जाता है और वो किसी के दहलीज पर जाके बैठ जाता है, तो उसको चोर समझ के वो युवक मार देता है, जिनका इन पर गंभीर आरोप है कि वो प्रमोद नाम का, क्या नाम है प्रमोद शाह ने जिन्होंने मारा है, सचिन पे इन पे आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इनके भाई को जान से मारा है। सिर्फ उनका जो कहना है कि चोर समझ के मारा है, इनका कहना है कि उन्होंने जानबूझ के मारा। अभी कुछ जांच पड़ताल में निकला नहीं बाहर, लेकिन अगर सचिन भी कुछ कहना चाहते हैं अपने पक्ष पे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया कि उनके भाई को उन्होंने जान से मारा है। ऐसी खबरों को देखने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस भी जो भी कार्रवाई करेगी वो हम आपको बाद में अपडेट्स बताएंगे क्या है पूरा मामला, क्योंकि अभी जो ये कहां का सारण थाने का मामला था, सारण थाने का मामला था। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज 100। मैं आचरण मिश्रा, सिटी न्यूज 100 के।